तो वही आपके सामने करिए मारुति सुजू की सिर्फ वी एक्स आई और इधर खड़ी है आपके पास होंडई ओरा एस एक्स दोनों की दोनों गाड़ी पेट्रोल में है दोनों गाड़ी के जो स्टार्टिंग प्राइस है वो लगभग सेम है और दोनों गाड़ियों में वन पॉइंट टू लीटर का इंजन आता है दोनों में पेट्रोल का इंजन है फर्क ये है कि मारुति में सिर्फ पेट्रोल का इंजन आता है और जो ओरा है इसमें आपको पेट्रोल भी मिल जाता है डीजल भी मिल जाता है सी एन जी मिल जाता है प्लस ये इंडिया की पहली ऐसी सब कॉम्पैक्ट गाड़ी है जिसमें आपको टर्बोचार्ज इंजन भी मिलता है जो आपको काफ़ी अच्छी पावर प्रोवाइड करता है अब बात ही है कि दोनों गाड़ी आपस में एक दूसरे की कंपटीशन पे है दोनों गाड़ी एक दूसरे के कंपटीटर है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी है कि सर ओरा ले या आई टेन न्योस ले या स्विफ्ट ले वीडियो लेके हूँ ताकि आप लोगों के मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो भाई क्या ऐसे फैक्टर है जो आपको कंसिडर करने चाहिए इन दोनों गाड़ी में से कोई एक गाड़ी लेते समय तो सबसे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ मेरे पास ये की है मारुति सुझू की स्विफ्ट वी की और दूसरी मेरे पास की है यहाँ पर अब होंडाई में आपको कुछ स्त्री की मिलती है उसमें लोक अनलोक और एक जो है है बूट स्पेस का बटन मिलता है। तो थोड़ी सी जो अट्रैक्टिव तो तो पीछे का बूट स्पेस खुल जाएगा लुक लुक की बात करते हैं दोस्तों नो no डाउट में दोनों गाड़ी काफी अच्छी है कुछ लोग होते हैं जिनको स्विफ्ट का भी लुक अच्छा नहीं होता कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ओरा का भी लुक अच्छा नहीं लगता ओरा कार के साथ में एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये की है कि इस कार को या तो अंडर माना जा रहा है या ओवर माना जा रहा है अभी मेरे को खुद क्लियर नहीं हो रहा है कि इस कार को

वो भी नहीं है मतलब कस्टमर बेस फैन बेस इतना अच्छा है अब ये दोनों कार कंपनीज एक दूसरे की राइवलरी में इस वजह से आती है क्योंकि मारुति सुजुकी है इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होंडा ये इंडिया की दूसरी सबसे लार्ज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब दोनों एक दूसरे के टक्कर में ऐसे मॉडल निकालते हैं जो इनके आपस में राइवलरी हो सके और एक दूसरे को काट पाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले स्विफ्ट की स्विफ्ट में अपने को मिलता है वन लीटर पेट्रोल इंजन जो आपको एट्टी एट बी के करीब देता है वहीं आपको इस गाड़ी में मिलता है वन लीटर पेट्रोल इंजन जो आपको 82 टू की पावर देता है टर्बो वाला इंजन अगर वो आपको 98 एट की पावर देगा लुक्स पर्सनल टू पर्सन डिपेंड करते हैं कौन सा लुक किस इंसान को अच्छा लगता है किस इंसान को कोई सी गाड़ी अच्छी लगती है किस इंसान को कोई सी गाड़ी अच्छी लगती है तो लुक्स पे हम नहीं जाएंगे बाकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको दोनों ही गाड़ी में नहीं मिलते हैं डीआरएल आपको एलईडी डीआरएस जो है आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे फोकलैम्प वगैरह मिल जाएंगे और जो बेसिक फीचर्स है सारे आपको मिल जाएंगे अगर आप टो वेरियंट लोगे दोनों गाड़ी का तो आपको सारे जो है फीचर्स मिल जाएंगे तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ तो ये देखिए इस गाड़ी का इंटीरियर भाई कुछ इस तरीका का है स्पेस भी गाड़ी में काफी अच्छा है और ठीक है मतलब काफी बढ़िया स्पेस है बट इसकी कंपैरिजन में अपने को ओरा में काफी अच्छा स्पेस मिलता है अब इंसान ये गाड़ी क्यों खरीदता है एक तो लुक नो डाउट जो है मारुति सुजुकी ने काफी अच्छे दे दी है दूसरा रीजन है कि इस गाड़ी का आपकी जेब पे काफी इजी पड़ना मतलब इतनी कॉस्टली नहीं पड़ता आजकल पेट्रोल सो के पार जा चुका है और ऐसे में माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है

इस गाड़ी में आपको एक जो है दिक्कत जरूर लगेगी वो दिक्कत ये लगेगी कि आप अगर लॉन्ग रूट पे जाओगे तो आप थक जाओगे मतलब आपको उतना ज्यादा जो है कंफर्टेबल फील नहीं होगा स्पेशियस बेशक है बट चार लोगों के लिए है पांच लोगों के लिए नहीं है ऑनदर दर अगर हम बात करें आपसे होंडई ओरा की तो होंड ओरा का अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो अंदर चल के मैं आपको माइलेज और कंफर्टलेबल गाड़ी दिखाता हूँ बाकी ये एक्सवेरियंट है तो आप अपने को इसमें मिलते हैं पंद्रह इंच के केलो व्हील्स ये चीज है और एलोविस्ट जो दिखने में वास्तव में काफी खूबसूरत है सेंट्रल लुकिंग के साथ में अपने को जो रिमोट एक्सेस मिलता है की लेस एंट्री का तो इजिली एंट्री ले सकते हैं अब ये देखिए आप सबसे पहले तो मैं आपको स्पेस चेक करा देता हूं तो भाई ये है गाड़ी का स्पेस मतलब मैं आराम से बैठा हूं मेरे पैर भी आराम से है हेड स्पेस भी हेडरूम भी मेरे लिए इनफ है अब माइलेज की अगर हम यहां पे बात करें तो मैं आपको माइलेज दिखाने की कोशिश करता हूं तो भाई ये देखिए आपको सामने दिखाऊं 13.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज फिलहाल ये गाड़ी देख रही है मतलब आप एक चीज देखिए जहां पे आपको स्विफ्ट चौबीस का माइलेज दे रही है वहां ये गाड़ी तेरह का माइलेज दे रही है स्विफ्ट को थोड़ा और अच्छे चलाओगे छब्बीस तो का माइलेज दे देगी मतलब इससे जस्ट डबल हो जाएगा ये चीज होती है बस ये चीज होता है ज्यादातर इंसान की तरफ नहीं जाता है मतलब ज्यादातर इंसान मारुति सुजुकी की तरफ क्यों जाता है क्योंकि वहां पर उसको माइलेज अच्छा मिलता है मेंटेनेंस का ज्यादा नहीं लगता है सर्विस कराओगे आप गाड़ी के साल भर में तीन चार हजार कंप्लीट हो जाएगी कोई पार्ट टूट गया स्पेयर पार्ट टूट गया कुछ भी हो गया काफी ईजिली आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये है मेन बेसिक बात अब एक बार परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस में आपको स्वीफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी पचास साठ तक चलाओगे सत्तर तक चलाओगे तो इस गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बट अगर आप सौ के ऊपर जाओगे तो आपको जो वो फील होगा जो कॉन्फिडेंस होता है स्टेबिलिटी होती है रोड के ऊपर कि हाँ भाई आपके कंट्रोल में है गाड़ी वो चीज़ जो है आपको फील यहाँ पर नहीं होगी थोड़ी सी जो है गाड़ी हड़बड़ कर जरूर करती है और सो पे जाती तो यूं करने लगती है ऐसा लगता है भाई गाड़ी बस गई रोड पे से नीचे उतर उतर के भागेगी वो वाली दिक्कत है मतलब कॉन्फिडेंस आपको स्वीट में नहीं बनता है वो चीज़ इसमें है मतलब आपको अगर ड्राइविंग प्लेजर चाहिए ड्राइविंग क्वालिटी चाहिए एक लग्जरी एक सीडान कार चाहिए मतलब एक माइलेज मतलब ज़्यादा इशू नहीं करता है तो होंडई के पास में बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको पसंद आएंगे बेशक और कार कंपनीज के पास में भी बहुत सारे ऑप्शन जो आपको पसंद आएंगे बट अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको आपको माइलेज अच्छा मिले मेंटेनेंस ना लगे मतलब आपको ज्यादा महंगी ना पड़े किसी भी तरीके से महंगी ना पड़े और तीन चार साल बाद में सेम रेट में बिक जाए एक दो लाख रुपए कम हो गए तो शुरू हुई स्विफ्ट डिजायर और ब्लैनो इज द कार फॉर यू यही फैक्टर है इन दोनों में बाकी स्टेयरिंग की मैं एक बात करना चाहूंगा स्टेयरिंग की जो स्टेबिलिटी होती है वो आपको मिलेगी हुंडरा में जैसे मैंने इस गाड़ी को अभी 50-60 किलोमीटर चलाया है अब भाई सर्विस इस गाड़ी की भी ज्यादा महंगी नहीं है जहां उस गाड़ी में साढ़े तीन हजार रुपये लगे वहाँ इस गाड़ी में पांच हजार रुपये लग जाएंगे कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं आएगा लेकिन क्वालिटी आपको जरूर देती है हुंडई नो डाउट और रिफाइनमेंट जो होता है इंजन का वो आपको जो होंड में मिलेगा वो आपको फिलहाल इंडिया में किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं मिलता है अब किया है कि अभी होंडई की जो है पेरेंट कंपनी है तो उसमें भी सेमी प्लेटफॉर्म पे जो है इंजन आपको मिलते हैं जो आपको होंडे की गाड़ी में मिलते हैं और होंडे की गाड़ी काफी फेमस भी है इस मामले में खास करके अगर इंजिन की ट्रांसमिशन की बात करें क्योंकि कई सारे ट्रांसमिशन आपको अवेलेबल मिल जाते हैं दोनों गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगी मैनुअल में मिल जाएगी तो भाई एक और बात कंफर्ट की बात करें कंफर्ट में यह गाड़ी बढ़िया है थोड़ी सी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा आप रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की ज्यादा अच्छी लगती है दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ किलोमीटर जाओगे आपको थकावट फील नहीं होगी इस गाड़ी से उस गाड़ी में आपका शरीर थोड़ा सा टूट जरूर जाएगा ये बात है बाकी दोनों गाड़ी आपको सेम रेंज में अवेलेबल मिलती है सारे जो है फीचर्स भी आपको सारे मिल जाते हैं अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो आपको लगभग लगभग जो है सारे फीचर्स मिल जाएंगे बाकी लुकिंग की बात है और अब आप लोगों के ऊपर बात है कि आप लोग कौन सा लेना पसंद कर सकते हो कौन सी गाड़ी किस चीज़ के लिए बेटर है वो मैं आपको बता चुका हूँ बिल्ड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली गो फॉर होंडाई ओरा और होंडाई की किसी भी गाड़ी और टाटा की कोई भी गाड़ी और अगर आपको काफी मतलब रिलायबल गाड़ी चीज जिसमें आपके ज्यादा पैसे नहीं लगे और आपको जो है लॉन्ग टर्म तक चलती रहे और सेलिंग वैल्यू भी अच्छी मिल जाए तो आप मोरू सु की तरफ जा सकते हैं उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए इस वीडियो को अच्छी ना लगी होगी तो बेफिक्र होकर डिसलाइक कर दीजिए और अगर आपको मेरी बात हेल्पफुल लगी हो थोड़ी बहुत तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे क्योंकि आप लोगों के कहने पर ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और वीडियो में किसी और कंपैरिजन में तब तक के लिए धन्यवाद